हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुंदन सिंह एक्सपेरिमेंट। तो गाइस, आज हम सिंपली करने वाले हैं कि आज हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आपको कुछ आइडिया हम बताएंगे। जैसे कि पिंपल्स जो होता है आजकल हर किसी के फेस पे हो जाता है, तो सिंपली आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे फेस में एक पिंपल हो गया, तो इसको आप अपने घर के कुछ नुस्खे से कैसे इजिली जो है क्लीन कर सकते हैं महीना भर में, 10-15 दिन में। तो आपको आज हम वही बताएंगे कि क्या क्या चीज जो लगे आपको घर में बना लेना है, उसे अपने फेस पे अप्लाई करना है, इस वजह जैसा क्रीम जैसा जैसा आप यूज करें उसका धो लेना आपको फेस को। तो आज आपको बताएं क्या क्या लगेगा और उसे आपको फेस में लगाना। तो चलिए आपको बताते हैं क्या क्या आपको चाहिए। तो आज आपको उसके लिए देखें जरूरत पड़ेगा जो कपूर होता है, ये देख सकते हैं, ये आपको इजिली स्टोर में मिल जाएगा, राशन किराना दुकान में, यहाँ से ले लेना है आपको कपूर। उसके बाद ये देख सकते हैं एलोवेरा ले लेना है, और ये तुलसी का पत्ता जो होता है इसे ले लेना है, और उसके बाद आपको तुलसी का पत्ता जो है इसको ग्राइंडर में पीस लेना बढ़िया से, देख सकते हैं। तो इसे अब आपको पीस करके सारा मिक्स करके बताते हैं, उसके बाद फिर आगे दिखाते हैं। तो गाय सबसे पहले जो कपूर जिसे हमने लिया था इसे हम पहले कूट लेते हैं बढ़िया से, इसे चूरन बना लेते हैं। ये देख सकते हैं हमने जो कपूर को है वो कूट लिया है, इससे आपको जिसे सुविधा उसे आप कूट लें। इस तरह से हमें एलोवेरा को मिक्स कर लेना है कपूर में। ये हमने मिक्स कर लिया एलोवेरा और कपूर। हमने तुलसी के पत्ता को जो है ग्राइंडर में डाल लिया है, ऐसे अब ग्राइंड करते हैं, ये देख सकते हैं डाल लिया, अब इसे ग्राइंड करते हैं। हल्का पानी डाल लेना है, देख सकते हैं ये हमारा जो हो चुका है, अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइस ये हमारा दोनों पेस्ट जो है देख सकते हैं तैयार हो चुका है, ये है कपूर और एलोवेरा वाला पेस्ट, ये देख सकते हैं, और ये हमारा जो है तुलसी के पत्ता का जो ये पेस्ट बना है। तो सबसे पहले आपको ये कपूर और एलोवेरा जो वाला था इसे फेस में लगा लेना है कॉटन की मदद से। उसके बाद फिर 10-15 मिनट के बाद आपको फेस वॉश कर लेना है, उसके बाद फिर कॉटन की मदद से इसे लगा लेना अपना फेस में,
उसके बाद थोड़ा देर के बाद इसे फेस वॉश कर लेना, ऐसे आपको डेली 15 दिन तक करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है। वीडियो अगर आपको कुछ हेल्पफुल लगा, वीडियो में कुछ आपको बढ़िया देखने को मिला, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।